आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास है। इस वीडियो के अंदर मैं घरेलू तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का बताऊंगी और उसका क्या रिज़ल्ट आता है। जो भी रिज़ल्ट होता होगा वो लाइव एक्सपेरिमेंट इस वीडियो में किया जाएगा। ओवरऑल जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूरिन के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, ये हम सभी को पता है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो यूरिन में सबसे पहले और सबसे जल्द अपीयर होने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कंसीव कर लिया है इस महीने में तो आप घर बैठे चेक कीजिए। जो चेक करने की जो सामग्री होगी वो पूरी तरीके से आपके किचन में, सभी के किचन में अवेलेबल होती है। एक इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नमक से टेस्ट करना बताऊंगी और दूसरा मैं चीनी से बताऊंगी। इन दोनों ही चीज़ों से मैं टेस्ट करना बताऊंगी जिससे जो भी चीज़ें होंगी वो आपके आमने सामने होगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रॉपर आएगा। अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो भी रिज़ल्ट आपका सही आएगा और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी रिज़ल्ट वो आपको बता देगा। अब इस पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं हूँ श्वेता और आप सबका सहेली क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम नमक को लेते हैं कि नमक से कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले एक जार लीजिए, एक इस तस्वीर के थ्रू आप समझ रहे हैं। इस जार में अपने यूरिन को कलेक्ट कर लीजिए और इसमें आपको क्या करना है कि 2 चम्मच आप नमक डालना है। जैसे ही आप 2 चम्मच नमक डालते हो उसके बाद आप उसे, कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को हम कैसे घोलते हैं जिससे वो उसमें पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाए, तो आपको घोलना है 2 से 3 मिनट तक घोलना है। उसके बाद अब आप छोड़ दीजिए। आपके छोड़ने के बाद इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिखती है कि उसके ऊपर में एक सफ़ेद लेयर बैठ जा रहा है, जो आपका यूरिन है उसके ऊपर में सफ़ेद अगर लेयर बैठ जा रहा है, इस केस में आप जो है वो प्रेग्नेंट है, आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। और अगर कोई भी लेयर नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से आपका यूरिन शांत है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है नेगेटिव है। अब आप प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट आप तभी होंगी जब आप उसके ऊपर में उजले कलर की परत आती है। इस तरह की बातें बताई जाती है। सेकंड है वो चीनी को लेकर, यानी कि शुगर को लेकर क्या बताया जाता है। जैसे कि आपने यूरिन कलेक्ट किया, उस यूरिन में आप 3 चम्मच चीनी को ऐड कीजिए और उसे आपको घोलना है। इस तरीके से घोलना है कि ताकि वो यूरिन में पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाए। बाद में आप देखती हैं कि वो पूरे थक्के जैसा बना हुआ है, वो मिक्सअप नहीं हो रहा है उस यूरिन के अंदर, तो इस केस में भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव है और आप माँ बन चुकी हैं। और वहीं अगर आपका जो यूरिन के अंदर जो चीनी है वो पूरी तरीके से घुल जा रहा है, कहने का मतलब पूरी तरीके से उसके में डिजॉल्व हो जा रहा है, तो ये जो कंडीशन होगी इस समय में ये रिजल्ट आता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अब यहाँ मैंने 2 एक्सपेरिमेंट बताए, अब इन दोनों का साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कहने और सुनने की होती है, हमें विश्वास करना चाहिए साइंटिफिक तरीकों पर, साइंटिफिक रीज़न पे, जो हमारे थॉट्स को क्लियर करे और जिसका एक लॉजिक हो। तो अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न की बात करें सॉल्ट टेस्ट की, नमक वाले टेस्ट की, तो अगर आपका नहीं घुलता है तो ऊपर में एक परत आ जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। इसका रिजल्ट ये भी कई बार आया है कि आप खान पान में आप ज़्यादा एसिडिक चीज़ों को लेती हैं, ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ खाती हैं, तेल वाली चीज़ें खाती हैं, और आप नमक का इस्तेमाल, कहने का मतलब आप जो नमक है नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम करती है। अगर आप पानी कम पीती हैं तो आपका यूरिन डार्क हो जाता है और उसके अंदर कोई भी चीज़ एसिडिक होने के बाद यूरिन नहीं फैलता है, कहने का मतलब कि वो पूरी तरीके से लेयर बन जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है लेयर बनने के बावजूद भी, तो इस केस में आपको अपने पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यूरिन का इस तरीके से येलो आना, डार्क आना, उसमें कोई चीज़ डिजॉल्व नहीं होना, वो भी एक खतरे की घंटी हो सकती है आपके लिए। सेकेंड पॉइंट, जैसा मैंने बात किया चीनी को लेकर, चीनी को अगर हम डिजॉल्व करते हैं यूरिन के अंदर, उस केस में क्या होता है, उस केस में भी यही चीज़ें होता है कि वो नहीं घुल पा रहा। इसका मतलब है कि आपका जो पीएच लेवल है ना वो बढ़ा हुआ है। पीएच लेवल कैसे बढ़ता है, तेल मसाले वाली चीज़ें खाने से बढ़ता है। कई बार क्या होता है कि हम पानी की मात्रा बहुत कम लेते हैं, इस केस में बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आप हटाइए अपने लाइफ से और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिए। और अगर आपको कन्फर्म लगता है कि किस तरीके से हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तो आप किसी भी किट का इस्तेमाल कर सकती हैं, मार्केट से यूज़ कर सकती हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा और ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।